नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में करूँगा रिव्यू बोट स्टोन 352 का। तो ये मैंने 2 दिन पहले ही मंगाया था और इसकी 2 दिन मैंने अच्छे तरीके से टेस्टिंग करी है सारी, जैसे VLC में चला के, MX प्लेयर और लेक्चर्स वगैरह सुनने, वो कैसे बेस कैसा है, सॉन्ग्स की क्लैरिटी वगैरह कैसी है। ठीक है, तो साउंड का ऐसे एज सच एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट ये कि हाँ जितना टेस्ट करा है उसके हिसाब से मैं आपको सरल भाषा में, लेमैन टर्म्स में समझा सकता हूँ कि भाई क्या क्या दिक्कत है, क्या क्या अच्छा है ये। ठीक है, सब कुछ मैं इस वीडियो में बता दूंगा। तो सबसे पहली बात तो कि भाई बेस की बात कर लेते हैं, तो इसमें 2 बेस रेडिएटर आ जाते हैं ऊपर और नीचे, और 10 वाट के, 10 वाट के स्पीकर है इसमें, 5-5 वाट के शायद दोनों साइड है। ठीक है, तो बेस तो इसका देखो सही है, बेस में आपको कोई इशू रहेगा नहीं। मतलब बोट में यही होता है कि इसमें बेस बहुत अच्छा देते हैं। ठीक है, तो बोट इज़ नोन फॉर इज बेस, तो बेस के मामले में तो मेरे को कोई बुराई लगी नहीं। बेस आपको पसंद आएगा जिस हिसाब के, मतलब हाँ जिस प्राइस रेंज में ये, उस हिसाब से बेस जो है डिसेंट है। दूसरी चीज़ आ जाती है भाई जो क्लैरिटी है वॉइस की। अब देखो सॉन्ग अगर आप सुनते हो, सॉन्ग वगैरह सुनते हो, तो सॉन्ग की क्लैरिटी कहीं ना कहीं, जैसे मैं 8/10 दे दूंगा, उसमें आ जाती है क्लैरिटी। सॉन्ग में आपका अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा अगर आपको ज़्यादा बेस पसंद है, और क्लैरिटी में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, मतलब जो वर्डिंग्स वगैरह होती है। ठीक है, उसके लिए तो थम्स अप है अगर आपको मतलब हाँ बेस लवर हो तो उसके लिए जा सकते हैं। बट हाँ, क्लैरिटी थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ होती है इसमें, क्योंकि इसमें बेस ज़्यादा हो जाता है तो वोकल्स वगैरह इतने अच्छे से आ नहीं पाते, जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस करा है। तीसरा, अगर आप भाई देखो लेक्चर्स वगैरह देते हो, जैसे स्टूडेंट हो या यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह देखने के लिए ले रहे हो या मूवीज़ के लिए ले रहे हो, तो उसके लिए मैं भाई रिकमेंड नहीं करूँगा। क्योंकि कल मैंने ट्राई करा, जैसे एक तो इशू क्या था, जैसे फ़ोन में MX प्लेयर या VLC प्लेयर से चलाया, तो उसमें उसमें ना जो डायलॉग है डिलीवरी और जो साउंड है उसका मिसमैच होता है। ठीक है, थोड़ा आगे पीछे चल रहा था जैसे, और आगे पीछे भी थोड़ा बहुत नहीं, ये मान लो कि 3-4 सेकंड का, मतलब डायलॉग 3-4 सेकंड पहले बोलते हैं और साउंड बाद में आ रही है, या उल्टा, मतलब हाँ ऐसे ही चल रहा था। तो ये इशू आ जाता है MX प्लेयर और VLC प्लेयर, या उसमें आप लैपटॉप में भी कनेक्ट कर रहे हैं तो उसमें भी। हालांकि अगर आप नॉर्मल स्ट्रीम कर रहे हैं यूट्यूब वगैरह पे, तो यूट्यूब पे ये मेरे को इशू नहीं देखने को मिला, पर हाँ जिसमें मेरे को देखने को मिला वो ये था। दूसरा एक और चीज़ कि भाई इसकी मतलब सॉन्ग्स वगैरह के लिए सही है, बट ये लेक्चर्स वगैरह देखने को, मैंने जैसे नॉर्मल वीडियो देखी जिसमें सिर्फ, जैसे नॉर्मल यूट्यूब वीडियो जिसमें सिर्फ गाने नहीं है, गाने से हटके कोई बोल रहा है, कोई लेक्चर वगैरह है, तो उसमें भाई ज़्यादा थम्पी सी साउंड आ रही है, थम्पी बेस इसमें ज़्यादा सा है। तो उस साउंड की जो क्लैरिटी तुम्हें चाहिए होती है ना लेक्चर के वक्त, तो वो तुम्हें नहीं मिल पाती, तो उसमें मैं निराश हुआ। तो हाँ यही था, तो ये 2-4 चीज़ें थी जो मुझे आपको बतानी थी। तो ये ज़रूर कंसीडर करना भाई ख़रीदने से पहले कि आपकी प्रायोरिटी क्या है और आप किसके उससे ले रहे हो। ठीक है, तो हाँ मेनली मेरे को क्या कहते हैं क्लैरिटी ज़्यादा चाहिए थी, मेरे को बेस वगैरह चाहिए था नहीं, पर अब ये आ गया तो कोई नहीं, मैंने टेस्ट वेस्ट कर लिया। बाकी हाँ मैंने आपको ये इसलिए शेयर कर दिया ताकि आप अपनी परचेज में ढंग से परचेज कर पाए। ठीक है, और आपको फीचर्स वगैरह तो देखो उसके पता ही है, यहाँ पे टाइप सी आ जाता है, पोर्ट SD कार्ड का भी है, ऑक्स का भी स्लॉट है। ठीक है, तो ये है दूसरा, ये यहाँ से पावर ऑन एंड ऑफ हो जाता है, बैटरी इंडिकेटर हो जाते हैं 1 2 3 4। ठीक है, और ये वॉल्यूम अप Power वॉल्यूम on. डाउन और You've ये plugged into पॉज और your प्ले। wallet. ठीक है, तो Your device बाकी is ready to pair. हाँ बाकी यही है, बाकी IPX7 की वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग है, स्पीकर सही है, बट मैंने बता दिया भाई किसके लिए सही है किसके लिए नहीं सही है। ठीक है, सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी या।